तो ट्रेडर्स जल्दी से प्रीवियस फोरकास्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है न्यू सिनेरियो उस पर बात करते हैं कि हमने क्या बोला था और क्या हुआ, ठीक है, और आपने क्या गेन किया और क्या लॉस किया, लेट्स सी। ठीक है, सबसे पहले प्रीवियस सिनेरियोज मैंने आपको दिए थे, एक बाय का सिनेरियो दिया था, दूसरा जो है ना सेल का सिनेरियो दिया था। मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी, ठीक है, आप चाहे ये एरिया काउंट करें चाहे ये एरिया काउंट करें, मैंने कहा था ये बाय जाएगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 से लेकर मार्केट 33-34 तक जो है ना बाय गई है, 100 पिप्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिग्नल भी बाकायदा तौर पर दिया था, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये गेन किया होगा, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। फिर मैंने आपको कहा था कि ये सेलिंग लेवल है, यहाँ से आपने सेलिंग देखनी है। सेलिंग में देखना क्या होता है कि या तो रिजेक्शन हो या तो फिर जो है ना H1 या अगर बड़ी ट्रेड है, ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेड है, तो H4 क्लोज होना चाहिए सेल में। बाय द वे यहाँ हमारा जो है ना तकरीबन रिजेक्शन हुई थी, ठीक है, H1 भी सेल में क्लोज हुआ था, फिर इसका हाई टूटा लो टूटा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने हमारे इस लेवल से भी सेल किया होगा, 29 से भी सेल किया होगा, फिर भी जो है ना आप 100 पिप्स के आलमोस्ट प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। बाय द वे यहाँ एक जो है ना स्ट्रॉन्ग लेवल है, जिसका मैं तकरीबन कल से ही मैंने लिमिट दी हुई है अपने प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है। अगर आपने जो है ना प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो एक दो सीटें रहती हैं, आप जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा, नेक्स्ट सिनेरियो हमारा यही होगा कि H1 जो है ना बाय में क्लोज हो गई है। मैं अब इसको जो है ना इस सेटअप को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। बट सडनली अगर जो है ना किसी तरीके से मार्केट जो है ना एक अनकंडीशनल मूवमेंट भी देती है, तो आपने जो है ना स्टॉप लॉस अपना 17-18 रख लेना है, ठीक है, फिर जो है ना और वेट करना है। लेट्स अभी तक हम जो है ना सही रेंज में हैं, ठीक है, क्योंकि H1 बाय में क्लोज हुई है, तो हमारा जो सिनेरियो बनता है, ठीक है, तो मैं अब इसको ही, बल्कि ये तो क्योंकि नहीं बना था, मैं इसको जो है ना वो कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ट्रेडर्स थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है, ठीक है, पैटर्न में भी मैंने ट्राइंगल आपके लिए बना दिया है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह कल वाले ही समझ लें, कल की तरह सिनेरियो में। सबसे पहले आपने यहाँ से जो है ना इस लेवल से इस एरिया से बाय देखनी है, ठीक है, जैसे कि मैंने सिग्नल भी दिया हुआ है अपने प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना हमने बाय ले लिया, तकरीबन यहाँ तक हम वेट करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि हाँ भी यहाँ से रिजेक्शन तो नहीं मिलती लाइक प्रीवियसली। अगर रिजेक्शन मिलती है, ठीक है, तो फिर जो है ना हम अपनी एक ट्रेड भी जो बची होगी वो क्लोज़ कर देंगे, साथ साथ हमने पहले प्रॉफिट लेके क्लोज़ कर देना, ठीक है, होता भी यही है। तो एक ट्रेड बचा के रखनी है, एक ट्रेड आपने होल्ड पर रखनी है, ठीक है, वो देखेंगे कि हम कहाँ तक रिजेक्शन मिलती है तो क्लोज़, बल्कि रिजेक्शन मिले भी या ना मिले आपने ब्रेक इवन का वेट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर रिजेक्शन ना मिले तो H1 भी सेल में क्लोज ना हो पर जो आपने उसको जाने देना है, ठीक है, 49-50 तक। ये देखिए ये लेवल तकरीबन बनता है, क्या बनता है ये 48 बनता है गालिबा, ठीक है। तो आपने इस लेवल तक, इस पैटर्न तक वेट करना है। मैं आपको ज़रा जूम करके भी दिखा दूँ ताकि आप लोग जो है इस पैटर्न को नोट कर लें या फिर स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है ना अल्टीमेट पैटर्न चैनल टूट चुका होगा, तो ये एक अच्छी खासी जो है ना हमें बाय मिलेगी, तो हम बाय की ट्रेड ही जो है ना ले रहे हैं, ठीक है, काफ़ी दिन हो गए हमें बाय के ट्रेंड में होते हुए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इनमें से अगर आपको कोई भी सिनेरियो मिले, सेल सिनेरियो भी है, सेल सेटअप ये है, ये ब्लैक अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिले तो आपने जो है ना सेल कर लेना है, कहाँ तक आपने 12-13 तक सेल कर लेना है, ठीक है, या 13-14 तक सेल कर लेना है, ठीक है। तो होप्स हो कि इनमें से अगर आपको कोई भी सिनेरियो मिला होगा तो आपने जो है ना कंटिन्यू रखना है अपनी ट्रेड को। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।